अनिल पंगोत्रा जी, अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मैं शशि चौरसिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि पंचकुला में चुनाव है मेयर और पार्षद पद को लेकर, उसी के लिए मैं आज पहुंची हूँ पंचकुला के जलोली गांव में, जिसका ये हमारे पास हमारे सामने उम्मीदवार है मेयर पद के लिए बीएसपी से अनिल पंगोत्रा जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अनिल पंगोत्रा जी। तो इनके सहयोग में पहुंचे हुए हैं, हमारे सामने है डॉक्टर सीपी सिंह जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ सीपी सर। मैं जानना चाहूँ कि ये जो मतदान अभी 28 को है उसको लेकर क्या तैयारियाँ चल रही हैं? अभी आप, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे प्रत्याशी इधर इस गांव में आए हुए हैं और आप उनका इधर इंटरव्यू उनकी जानकारी लेने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी इधर 3 मेयर का चुनाव है, अम्बाला, पंचकुला और सोनीपत, तीनों जगह हमारे मेयर का प्रत्याशी खड़े हैं। और उधर जिला पार्षद का चुनाव है रेवाड़ी में, तो वहाँ पर भी हमारी मंजू गुजर चुनाव लड़ रही हैं। और इधर अम्बाला के अंदर जोली जेटली वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इधर हमारे अनिल पंगोत्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं और सोनीपत में हमारे धर्मवीर से चरोवा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने सिंबल पे चुनाव इधर बार लड़ा है और हमारे प्रत्याशी गांव गांव में जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं और हम पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए, इस समय जो हालात देश के हैं और हरियाणा या पंजाब पूरे देश में जो हालात बने हैं, आज हरियाणा का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा है और इस समय कांग्रेस और बीजेपी से यहाँ की जनता रुष्ट है। आज उन्हें विकल्प चाहिए। यदि विकल्प इस देश के अंदर कोई उनको नजर आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी विकल्प के रूप में नजर आ रही है। और आज जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, हर हमारे प्रत्याशी को वहाँ पर उनको फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको भारी बहुमत से जिताने की लोगों ने मतलब वादा किया है। महिलाएं निकल कर आ रही हैं, वहाँ के नौजवान निकल कर आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि इस बार यहाँ जो मुकाबला रोचक होगा और हम लोग तीनों मेयर जीतने का काम करेंगे। और उधर मलजना हम लोग जो जिला पार्षद हमारे चेयरमैन है उसको भी हम लोग बहुत बढ़िया फाइट उधर चल रही है, उसे भी जीतने का काम करेंगे। हम लोग पूरी मेहनत से, हमारा एक एक वर्कर जमीन पर है, गांव गांव के अंदर है, जहां शहर में है शहर में सब लोग अपने मतलब काम में लगे। सबसे पहले हमारी नेता ने उसके लिए उनके पक्ष में अपना ट्वीट किया, उसके बाद दोबारा उन्होंने ट्वीट किया कि भाई मतलब सरकार अपनी हठधर्मी को छोड़े और जो उनकी जायज मांगे हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर सरकार तो इतने अहंकार में है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज किसान वहाँ पर 2 डिग्री के टेम्परेचर में पड़ा बेचारा, वहाँ ठंड में ठुठुर रहा है, मगर उसको देश के प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं है। माँ अडानी के बेटे का इतने वहाँ पर उनका मतलब उसको पोता हुआ है तो वहाँ जाने के लिए मतलब उसके पास समय है, मगर किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जनता तो सब देख रही है और जनता तो एक एक चीज पर नोटिस भी मतलब जब देती है तो जिन्होंने बनाया उनको हटाने और किसान का तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। तो इस बार मतलब उन्होंने चुनाव भी आनंद फानंद में कराया, उन्होंने सोचा भी किसान तो वहाँ पर पड़ा हुआ है और हम लोग यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। और उन्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर जो किसान के साथ मजदूर भी है, यहाँ पर कर्मचारी भी दुखी है, यहाँ पर मजदूर भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है। उन्होंने जीएसटी लगाया, जीएसटी के माध्यम से नोटबंदी के कारण कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सा ऐसा वर्ग जो आज मतलब इन सरकार संतुष्ट है। इसलिए हर आदमी इस समय मौके की तलाश में है कि जैसे उनका मौका मिलेगा तो उसको जवाब देने का काम करेगा। तो उनको इस समय वोट का मौका है, ये मेयर का चुनाव है तो निश्चित रूप से जनता उसका जवाब देगी। तो अभी हम बात करते हैं अनिल पंगोत्रा से, जो कि मेयर पंचकुला के मेयर पद के लिए उम्मीदवार आज बीएसपी खड़े हैं। तो हम बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है क्योंकि इलेक्शनों में हमें रिस्पांस की भूख होती है, रिस्पांस की चाहत होती है और जैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है, हम रात के 12-12 1-1 बजे तक इतनी ठंड में भी काम कर रहे हैं क्योंकि इनका जो जोश है जनता जनार्दन के बीच में प्यार है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैडम, ये जो पंचकुला के अंदर है मेयर का कॉरपोरेशन की परिधि है उसके अंदर समस्या ही समस्या है। चाहे आप देखो 20 सेक्टर का अंडरपास है, हाउसिंग बोर्ड चौक है, आने जाने की कितनी परेशानी है, 5-5, 6-6 बार लाइटों पर रुकना पड़ता है, एंट्रेंस पे ही परेशानी, तो परेशानी कहाँ है? हाउस टैक्स को लेकर समस्या, एनहांसमेंट को लेकर समस्या, पार्कों की समस्या,
और जो इवन यहाँ तक देखो कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ आदमी मर रहा हो पहले उसको 20 रुपए की पर्ची कटानी पड़ती है। ऐसा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि सिवाय समस्याओं के यहाँ पे है क्या करप्शन और समस्या। अब देखिए जो राउंड बोर्ड्स है हमारे पंचकुला कॉर्पोरेशन के अंदर वो दोबारा से तोड़ के 50-60 लाख का एक चौक बनाया है। आपको लगता है उसमें 50-60 लाख खर्च हुआ एक राउंड बोर्ड में? मतलब यहाँ तो सिवाय समस्याओं के और करप्शन के कुछ है ही नहीं। कांग्रेस का राज भी देखा, अब भाजपा का भी देख लिया, उनका चीफ मिनिस्टर भी देख लिया, उनकी मेयर भी देख ली। मैं उन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ भी एज अ चीफ मिनिस्टर जो वो नहीं कर पाए क्या वो मेयर बन के करके दिखा देंगे? कुलभूषण गोयल जी और जो मेयर जी हैं सिटिंग मेयर थी वो पहले 5 साल में क्या क्या जो अब करके दिखा देंगे? तो मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि बहुजन समाज पार्टी नेक नीतियों की पार्टी है, हिंदुस्तान को कानून देने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की पार्टी है, हमारे अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, हमारे शर्मा डॉक्टर सीपी सिंह जी, मतलब ये पार्टी नीतियों पे है। आज आप एक महिला हो, आज मेरे आगे माइक लेके खड़ी हो, पता है आपको ये सब किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1950 से पहले लेडीज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलता। हमारे भीमराव अम्बेडकर उसके साथ होते लोग भीमराव अम्बेडकर जी ने आप जैसे आज आप एक युवा लड़की होने के नाते बच्ची होने के नाते माइक पकड़ के अगर आप मेरे सामने खड़ी हो तो मुझे याद भीमराव अम्बेडकर जी की आती है, नहीं तो इन लड़कियों को पढ़ने का वोट डालने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। तो मेरे हिसाब से अब दुनिया ने कांग्रेस भी देखी बीजेपी भी देखी अब समझी नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे गर्म माहौल है मेयर पद के पंचकुला इलेक्शन को लेके, तो वो तो 27 के बाद ही मतदान के बाद ही हमें पता लगेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर, मैं शशि चौरसिया कैमरामैन दीपक चौहान। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।